सो गाइस ये हमारा व्लॉग सुकराला माता, चिची माता और मानसर लेक के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मतलब व्लॉग कैसा रहा, हमारा मतलब टूर कैसा रहा, हमारे दर्शन भी कैसे रहे। तो बिना किसी देरी के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग हमारा सुकराला माता के ऊपर है। तो देखते हैं कि हमारे सुकराला माता का जो व्यू है वो कैसा रहता है, हमारा टूर कैसा रहता है, यात्रा भी कैसी रहती है। तो मौसम पीछे आज थोड़ा ख़राब है, तो लेकिन बिना किसी देर के चलो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, नीचे पहुँचने के बाद हम करने लगे गाड़ी का इंतज़ार, बट रास्ते में ही बारिश पड़ गई। तो आप देख सकते हैं उस दिन इतनी ज़ोर से बारिश पड़ी थी कि हम तो भीगे और सभी भीगी गए थे। तो आगे आप देखिए अब। तो गाइस, अभी हम कर रहे हैं गाड़ी का इंतजार। से देखो पीछे इतनी बारिश हो रही है, सुकराला माता जाना अब तो थोड़ा मुश्किल भरा लग रहा है। एकदम इस मुश्किल को पार करके हम दरबार में पहुंचेंगे और पीछे हमारे भाई हैं, भाई जय माता दी। तो देखो यहाँ पे इतनी बारिश पड़ रही है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो इतनी ज़ोर से बारिश पड़ रही है कि हम कहाँ बताएं आपको। सो गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट वेट करने के बाद हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी थी। उसके बाद हम गाड़ी के अंदर बैठे, सभी बैठ चुके थे और सभी भीग चुके थे। तो सबसे पहला दर्शन चिची माता का माना जाता है, तो सबसे पहले हम उनके ही मंदिर जा रहे थे। तो आप भी दर्शन करिए और रास्ते का भी व्यू देखिए उस दिन का। जय माता दी। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ों को पार करने के बाद हम पहुंचे चिची माता। तो देखो मेरे पीछे भी चिची माता है, तो अभी दिख नहीं रहा होगा तो दिखाता हूँ अभी, तो अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। जय माता दी। सो गाइस, ये रहा मेरे पीछे चिची माता। तो बहुत सारे संघर्षों को, यानी कि बारिश भी पड़ रही थी, बारिश पड़ने के कारण थोड़ी सी यात्रा हमारी ऐसी रही, लेकिन चिची माता बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच गया हम। तो चलिए अंदर के भी दर्शन करते हैं माता रानी के। जय माता दी। Thank you.
सो गाइस अभी आप दर्शन कर रहे हैं चिची माता के, और ऊपर जो देवी है वो माता मल यानी कि सुकराला माता है, और नीचे जो देवी है वो चिची माता है, और इसकी स्टोरी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो गाइस 9:30 बजे के करीब हमने अपनी फिर सुकराला माता की यात्रा फिर से स्टार्ट की। अब हम सुकराला माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो आप रास्ते का व्यू देख सकते हैं। पहाड़ी इलाका इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, तो आप रास्ते का व्यू देखिए। आप जय माता दी।
गाइस फाइनली अभी हम सुकराला माता मंदिर पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे बारिश पड़ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाहर इतनी ज्यादा बारिश पड़ी है, हम दुकान के बाहर खड़े हैं। और ये रहा माता रानी के, माता रानी का मेन गेट डेकोरेट किया हुआ, देखो। सो गाइस ये जो आप अभी देख रहे हैं ये माता रानी की बोली है, यानी कि इसके अंदर अपने आप पानी आ रहा है इस कुंड से। और यहाँ पे जब सुकराला माता आते हैं तो सभी यहाँ पे ही नहाते हैं, इस पानी से स्नान करते हैं। तो स्नान करने के बाद फिर माता रानी के दर्शन करते हैं सभी, तो उसके बाद हम दर्शन करने चले गए। तो आप भी हमारे साथ दर्शन करिए। जय माता दी। सो गाइस
जय माता दी और आप अभी करें सुकराला माता के लाइव दर्शन। तो हालांकि वहां पे उस दिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहां पे बहुत ही ज़्यादा रश था, तो लेकिन मैंने पंडित जी की आईडी से ही वीडियो निकाल कर आपको दर्शन करवा रहा हूं, तो आप भी दर्शन करिए। सो गाइस, ये जो आप अभी इमेज देख रहे हैं ये माता रानी का खप्पर माना जाता है इस चीज़ को, यानी कि यहाँ पे राजा ने जब ये चीज़ बनाई थी तो कहते हैं यहाँ पे बलि प्रथा थी और यहाँ पे रक्त जो था इस कुंड के अंदर डाला जाता था, बट रक्त जो था वो बढ़ता ही नहीं था। फिर राजा ने क्षमा मांगी माता से, तो आप अभी उस कुंड के यानी कि माँ सुकराला यानी कि काली माता के खप्पर के अभी दर्शन कर रहे हैं जो कभी भरता ही नहीं था रक्त से। सो गाइस, दर्शन करने के बाद उसके बाद हमने लंगर खाया और लंगर खाने के बाद हमारी आगे की यात्रा फिर से प्रस्थान हुई मानसर की तरफ। तो आप रास्ता देखिए मानसर का। जय माता दी। दर्शन करने के बाद अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं मानसर, लेकिन सुकराला माता में इतना रश था, इतनी उमड़ी भीड़ थी संडे को। ऐसे तो आम दिनों में नहीं होती, बस संडे और ट्यूसडे को होती है वहाँ पे। अब हम मानसर जा रहे हैं वहाँ पे शीर्ष को खाना लेने और शीर्षनाथ जी के दर्शन करने, चलिए चलते हैं। जय माता जी। तो मानसर पहुंचने के बाद हमने मछलियों को खाना खिलाया यानी कि आटा खिलाया और फुलिया खिलवाई, और ये मछलियाँ कुछ अलग टाइप की है यानी कि आप इनको घर में नहीं लेके जा सकते, आप इनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि इनको कुल देवते का रूप माना जाता है। और यहाँ पे शेषनाग जी का भी मंदिर है और हम वहाँ पे भी दर्शन करने गए थे, बट वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं था, लेकिन मंदिर बहुत ही अच्छा था कुल देवते का, नाग देवते का। और आपने भजनों में भी सुना होगा कि मानसर में देवते का मंदिर है यानी कि नाग देवते का, तो वहाँ पे भी श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने जाते हैं। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप जब भी मानसर जाए तो भगवान के दर्शन जरूर करिएगा शेषनाग के। जय माता दी। सो मछलियों को देखते देखते हमको कछुआ भी दिखाई दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कछुआ को देखा था और बहुत ही बड़ा था ये, और बाहर आ रहा था लेकिन मछली इसको बाहर ही नहीं आने दे रही थी। तो आप भी देखिए
सो गाइस इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय मां सुकराला भी जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। जय माता दी।